हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए चैप्टर थर्ड के पिछले 12 साल के क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ये PDF और ये जो आपके लिए डॉक्यूमेंट है, ये लगभग 4 दिन पहले ही बन चुका था। अगर इंग्लिश मीडियम की ही वीडियो देनी होती तो 4 दिन पहले ही आपके पास ये वीडियो आ चुकी होती। लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि हिंदी मीडियम में भी लेकर आइए, तो उसे ट्रांसलेट करने में और पेपर से उसे मिलाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, तो इसीलिए आपको ये वीडियो लेट मिली है। अब अगली जो वीडियोज़ हैं, अगली PDF है, वो सब हिंदी मीडियम में भी लाने की पूरी मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर वन सेकेंड, थोड़ा सा अपन इसको कर लेते हैं। ओके, तो ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है, उसमें इस बार 2023 के अंदर जो ब्लूप्रिंट आने वाली है, उसमें आपको दो ऑब्जेक्टिव्स एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, एंड आप लोगों को एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, यानी वेरी शॉर्ट और एक शॉर्ट आंसर। 7 मार्क्स का ये चैप्टर है। अब हम इसमें एनालाइज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में कितने किस तरह के ऑब्जेक्टिव आए हैं और बार बार कौन सा ऑब्जेक्टिव रिपीट होता है। तो 2011 में राइट द फार्मूला फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्वेश्चन आया था। 2012 में जो है आरहेनियस इक्वेशन आया था, तो आरहेनियस इक्वेशन जो है मैंने देखा, इसे एनालाइज किया। आरहेनियस इक्वेशन जो है वो बहुत बार रिपीट हो चुका है, मतलब ऐसा लगता है कि जिस साल पेपर में आरहेनियस इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं दिया, उस साल पेपर अधूरा है। तो आप खुद ही देखेंगे, 2012 में आरहेनियस इक्वेशन आया है, 2013 में, 12 के अंदर जो है फिल इन द ब्लैंक्स में आया था ये, 13 में जो है आपको ये मैच द कॉलम में देखने के लिए मिला था, तो उसका आंसर मैंने सामने ही लिख दिया है, आरहेनियस इक्वेशन 2013 में। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में, वन सेकेंड, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, ओके, तो 2014 में क्वेश्चन आया था, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ, यानी हाफ लाइफ पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होता है वो बताना है 2014 में। 2015 में फिर आरहेनियस इक्वेशन आया। 2016 में राइट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिएक्शन विच आर इनिशिएटेड बाय रेडिएशन, ये आया है। उसके बाद 2015 की अगर हम बात 17 की बात करें तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन, मतलब ये एक जो है ऑब्जेक्टिव था, ये आपका चूज द करेक्ट था। इसमें आपके 4 ऑप्शन थे, एक्टिव मास, एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास या मॉलिक्यूलर मास। हम आगे चलते हैं। तो आरहेनियस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, फिर आरहेनियस इक्वेशन आया, आप देख सकते हैं 2019 में, देखिए आप आरहेनियस इक्वेशन को लिखना है, आया है। तो आप देख सकते हैं कि आरहेनियस इक्वेशन जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव, तो वो याद करना ही है हमें, आरहेनियस इक्वेशन। और 2020 की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो एक न्यूमेरिकल टाइप आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ़ के इज इक्वल टू दिस, के की वैल्यू दी थी, और इसमें ये 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, और हाँ चौथा ये 0 है, मतलब बीच में दिया था तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है तो। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ, ये एक ऑब्जेक्टिव है, हिंदी में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। राइट द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, उसके लिए अपने को यूनिट लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डैश ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर आरहेनियस इक्वेशन 2022 में भी आ गया। तो आप देख सकते हैं कि आरहेनियस इक्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आरहेनियस इक्वेशन आप करके चले जाएं, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे। 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के आए हैं इसके अंदर, उन्हें सबको तो पढ़ के जाना ही, उसके अलावा भी जितने ऑब्जेक्टिव्स आपके परीक्षा बोर्ड में रहे, नव बोर्ड के अंदर रहे, या शिवलाल चलती है आपकी, आपके स्कूल में, तो शिवलाल में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को आप प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हम तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन 2011 में आया है, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, याद रखना इसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बिटवीन आया है। और दूसरा उसके और में जो डिफरेंस बिटवीन आया है,
वो आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के अंदर आया है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चार चार मार्क्स के क्वेश्चन हुआ करते थे काफ़ी सालों तक, फिर 2021-22 में 3 मार्क्स के कर दिए थे, आपको पता लगेगा अभी मैं आगे करूँगा तो। अच्छा, 23 में भी एक 3 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का, दो क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है 4 डिफरेंसेज है तो 2 डिफरेंसेज बिटवीन आ जाए। 2012 पे चलते हैं अब हम। व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन लिखनी है हमें, और रेट कांस्टेंट के फॉर ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर आएगा, यहाँ पर गलती हो गई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इसमें जो है आएगा, ज़ीरो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन लिखनी है हमें और उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। 2013 में अगर हम चलें तो हमें शॉर्ट नोट आया था एक्टिवेशन एनर्जी और आरहेनियस इक्वेशन के ऊपर, दो दो मार्क्स के दो थे, मतलब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसके और में एक न्यूमेरिकल आया था हाफ लाइफ पीरियड के ऊपर, देख सकते हैं आप। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इसमें भी करिएगा, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि सॉल्यूशन चैप्टर में से न्यूमेरिकल मतलब एक तरह से एक साल छोड़ के आ ही जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से भी हमें कुछ सालों के अंदर न्यूमेरिकल देखने के लिए मिले थे, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो अभी तक एक ही न्यूमेरिकल देखने के लिए मिला है, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं अभी तक। 2014 में अगर हम चलें तो 2012 का रिपीटेड क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अपने को क्या करना है, इसमें डिफरेंस बताना है, और रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट में अपने को डिफरेंस बताना है, आप देख पा रहे होंगे इसे, ओके। 2015 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन समझाना है और टू फैक्टर अफेक्टिंग हमें बताना है, ये भी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, यहाँ पर शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाफ लाइफ पीरियड किसको बोलते हैं, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड के बारे में है ये, ओके। शॉर्ट नोट आया है 2016 के अंदर थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर, और उसके और में 2016 में क्वेश्चन आया था व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किया है और उसके 3 एग्जांपल्स अपने को देने हैं, ठीक है। तो 2016 जैसा कि मैंने बताया था, 2011 से लेकर तो 15 तक के अगर कोई बच्चा करके चले जाता है यानी 5 साल के, तो क्या उसे 2016 में रिपीटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलता, हाँ तो काफ़ी हद तक देखने के लिए मिलता। एक्टिवेशन एनर्जी का पहले भी आ चुका है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन तो आया ही, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पढ़ ही लेता है इंसान, और उसके जो है एग्जांपल्स डिफरेंस बिटवीन में आ ही जाते हैं। अब हम 2017 की तरफ चलते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लैग हो रहा है तो उसके लिए आप थोड़ा कंसिडर करें, थोड़ा सा वीडियो स्लो हो रही है, ओके। तो 2017 में ये क्वेश्चन आया है, राइट 4 फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, है सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ये 10th में भी हमने याद किया होगा फैक्टर अफेक्टिंग, 10th में भी कई बार आता है केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में। उसके बाद उसके और में आया था हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन क्या होता है और कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका शायद रिपीटेड क्वेश्चन ही है, ठीक है। 2018 पे आ जाते हैं हम, तो 2018 में आपका जो है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिपीटेड क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट एक रिपीटेड क्वेश्चन है। 2019 में एक क्वेश्चन बिल्कुल अजीब सा आया था, यानी कि कुछ रिएक्शंस दी थी और उसमें हमें यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बताना था, तो देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, यहाँ पर 4 रिएक्शन दी थी, इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना था, हालांकि सिंपल ऑब्जेक्टिव है ये, मतलब सिंपल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये, जितनी पावर है यहाँ पर उतना जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 पावर है और इस ब्रैकेट में 1 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, इस तरह से हमें बताना था, और जिसे फर्स्ट जो ऑर्डर जो रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होती है, उसकी यूनिट कुछ और होती है, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग होती है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होती है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका आया था। उसके और में 2019 में क्वेश्चन आया था, प्रूव दैट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया था, ये एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के इन्होंने दे दिया है कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालो, पिछले सालों के अंदर अपनों ने देखा है, बस उसमें इस तरह से घुमा के इन्होंने दे दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो पर जो है नॉट डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम 2020 पर आ जाते हैं यहाँ पर, तो 2020 में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाफ लाइफ,
सिंपल सी बात है, प्रूव दैट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया या 2019 का। उसके और में जो क्वेश्चन आया, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें रेट कॉन्स्टेंट बताना है। नेक्स्ट हम 2021 पे अगर आएँ तो डिफरेंस बिटवीन रेट रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, यानी कि उन्होंने 2021 और 22 के अंदर ब्लू प्रिंट चेंज कर दी थी, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन कर दिए थे। इसके पहले 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे, और 2023 के अंदर जिस टाइम पे आप पेपर देने वाले हैं उसमें 1-2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, 1-3 मार्क्स का भी आया था, ये आएगा। ये शुरुआत में मैंने आप लोगों को बात बता दी थी। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन आया, उसके और में आपका हाफ लाइफ पीरियड का एक जो है न्यूमेरिकल आया है। 2022 के अंदर अगर हम देखें तो 2022 में आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ एग्जाम्पल हमें समझाना है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जाम्पल समझाना है। और एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन आया है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं, ये भी हमें बताना है। तो ये एनालाइजेशन था पिछले 12 साल के पेपर्स का। मुझे लगता है कि अगर हम 12 साल के पेपर बहुत अच्छी तरह से शिद्दत के साथ में कर लेते हैं, एक एक चीज़ उसकी रट लेते हैं और उसके आसपास के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा तो उसके आसपास जो अपने को किताब में मिलता है वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 2023 में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आने वाली, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये एनालाइजेशन था 2011 से लेकर तो 2022 तक के 12 साल के पेपर्स का। ये आपको वीडियो कैसा लगा, हिंदी मीडियम में बनाने में काफ़ी मेहनत लग गई, एक्स्ट्रा 4 दिन लग गए हैं, और अगली वीडियोस भी हिंदी मीडियम में आएगी, मैं जो है पूरी कोशिश करूँगा। तो इसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, इसे अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। और उसके अलावा इसकी जो PDF है वो आपको लास्ट में मिलेगी, यानी सारे चैप्टर, पूरे 10 चैप्टर हो जाएंगे, अभी 3 चैप्टर हो चुके हैं, पूरे 10 चैप्टर के जो है अपने 12 साल के क्वेश्चंस का एनालाइजेशन हो जाएगा। तो लास्ट में आप लोगों को इसकी एक साथ PDF मिल जाएगी। और अगर आपको ये PDF सिंगल सिंगल चैप्टर की चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट आप करके बता सकते हैं, जिसके बेसिस पर मैं आप लोगों के लिए सिंगल सिंगल चैप्टर के भी PDF बनाने की कोशिश करूँगा। फिज़िक्स के लिए भी बहुत जल्द आने वाली है सीरीज़, और मैथमेटिक्स के लिए भी आएगी अगर वक्त रहा, टाइम रहा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।